आज हम एक अहम उन्वान को लेकर के आपके सामने आए हैं कि सारी दुनिया में नामों से रिसालत के खिलाफ एक महाजाराई हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां आम की जा रही हैं, उसके मुताबिक हम आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। ज़फ़र भाई, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो फ्रांस के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से जो हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन की गई आप सब सबके, जो एक अदना सा भी मुसलमान होगा वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जी, और करना भी नहीं चाहिए जी। लेकिन आपको प्रोटेस्ट कंडेम जी करना है जी। आप अगर प्रोटेस्ट और कंडेम नहीं करोगे जी तो लोगों की हिम्मतें बढ़ जाती हैं जी। आप मुझे बताइए, इस्लाम जो है ना वो ऐसा मजहब है जो पीस एंड हार्मनी जी और इक्वलिटी जी और ट्रैंक्विलिटी चाहता है जी। आप मुझे जफर भाई बताइए कि लोग जो है कौन से पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं जो जिसमें फल होता है, जिसमें फल होता है जी, हाँ उसको पत्थर मार के फल खा जाते हैं हाँ। तो क्या फल जो है वो फ्रूट देना, झाड़ जो है फ्रूट देना बंद करता है क्या? नहीं नहीं, वो फल देता रहता है हाँ, आप कितने भी उसको पत्थर मारो कुछ भी करो लेकिन वो अपना जो काम है वो करता रहता है, करता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको काफी चीजें सिखा के गई जी। क्या आपको नहीं लगता जफर भाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात शरीफ में मक्के के अंदर किस तरह उनको परेशान किया गया? बहुत बहुत बहुत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफहूम है कि दीन के खातिर जितना मैं सताया गया हूँ हाँ, उतना कोई नबी नहीं सताया गया। बिल्कुल, आप सोच सकते हो किस तरह आपको सताया गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप बैतुल्लाह पे नमाज पढ़ रहे जी, और आप सजदे में गए, ऊंट की ओज लाके आप ओजड़ी लाके आपकी पीठ पे डाल दी गई थी ऊपर ऊपर, आप सजदे से सर नहीं उठा सकते। आपने क्या किया? लोगों को गाली नहीं दिया जी, आपने सबर किया जी, आपने बर्दाश्त किया जी, आपके ऊपर कूड़ा फेंका गया जी, आपने जिसने कूड़ा फेंका कचरा फेंका हाँ, उस औरत की जाके आपने तिरमदारी करी, ईमानदारी पूरा उनको पूछा गया कि भाई ये क्या गई दो तीन से मुझ। आपने जाके जब पता चला उसकी तबीयत खराब है, आपने जाके इसकी तबीयत की जाए बारे में उनको पूछने गया जी, आपने क्या बोला कि अच्छा हुआ वो बीमार हो गई? नहीं, अल्लाह के नबी को कभी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं किया जी, जी। आप सोचिए कि ताइफ का जो किस्सा है हाँ, 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 वो भी तारीफ, ताइफ में देखो किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो उनके साथ में जो हरकतें इन्होंने किए, नानेल मुबारक जो है जूते मुबारक आपके वो खून में भर गए थे, सुर्ख हो गए थे, पूरे सुर्ख हो गए थे। जिब्रील अमीन इतने जोर से आवाज में आए जी कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, आप हुक्म कीजिए हाँ, इसको खत्म फना फिल्ला करेंगे। आपने क्या कहा? नहीं जिब्रील, ये नहीं, इनकी औलाद जो है। और आज ताइफ के जो अरब है वो मक्के के अरब से भी ज्यादा ईमानदार है अल्हम्दुलिल्लाह, और इबादत गुजार है हाँ, मैं भी खुद जाकर देखा है मैंने ताइफ, वो लोग बहुत ताइफ के अंदर इबादत गुजार है, बड़े मुखलिस हैं, मुखलिस है वो लोग। आप सोचिए जिस ताइफ के अंदर आपने दुआ दी जी, हमको भी सबर करना चाहिए। मेरा एक ही बोलना है कि मुसलमान देखे कुरान तौरात ज़बूर जी सब एक ही किताब है जी, यहूदी आसमानी किताब, आसमानी किताब है जी। हम जो है मूसा अलैहि सलाम को भी मानते हैं जी, इनसे ज्यादा मानते हैं जी, ईसा अलैहि सलाम को हम तुमसे ज्यादा मानते हैं जी, बीबी मरियम अलैहि सलाम को हम तुमसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं शी वाज वर्जिन जी, शी वाज वर्जिन जी। और ईसा अलैहि सलाम जो पैदा हुए ये अल्लाह का एक मौजूदा था, मौजूदा था जो पैदा हुए, अल्लाह को दुनिया में दिखाना था कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, नहीं ना आदमी का मोहताज ना औरत का मोहताज, किसी का मोहताज नहीं, किसी भी सबब। अल्लाह ने ईसा अलैहि नबी अलैहि सलातो सलाम को जी पैदा कर दिया जी। अच्छा, हम दाऊद अलैहि सलाम को मानते हैं, याकूब अलैहि सलाम को मानते हैं, सुलेमान अलैहि सलाम को मानते हैं, यूसुफ अलैहि नबी अलैहि सलातो सलाम को मानते हैं जी। मुसलमान कभी इनका कार्टून नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, बिल्कुल सही। मेरी उम्र आज जो है 65 हो गई है, 64 में मैंने आज तक नहीं देखा हूं कि किसी मुसलमान ने कार्टून बनाया जी, क्योंकि वो हमारे नबी है ना हाँ। लेकिन एक बात है कि आपने कहा कि मुसलमान किसी के उनके अंबिया हैं,
गैर मुस्लिम दूसरे और दूसरे मजहब के लोग हैं वो लोग भी किसी का कार्टून नहीं बनाते हैं, बस ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस एक ही बनाते हैं। अभी देखो हम कभी राम का राम जी का या लक्ष्मण जी का या और भी उनके जैसे किसी देवी का भी नहीं बनाएंगे, किसी का नहीं बनाएंगे, उनको बुरा बोलने का भी हुक्म नहीं है जी। लकुम दीन हुक्म वली दीन, आप अपने दिन पे हम अपने दिन पे जी। तो ये जो है जो जो ये बलिस्कमी जो हो रही है हाँ। ये अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा तुम ईसा ने नबी अलैहि सलाम का कार्टून क्यों नहीं बनाते हो भाई जी? तुम अगर नबियों से नफरत कर रहे हो जी तो तुम मूसा अलैहि सलाम का भी बनाओ करके, लेकिन वो हराम है सब काम करना, समझे? तो हमको क्या करना चाहिए, हमको जब्त करना चाहिए, सबर करना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ में लड़ना चाहिए। आज हमको मालूम है कोर्ट हमारे फेवर में नहीं आता है जी। मुसलमान जो है थोड़ा सा वजन हो गया है, इसकी वजह क्या है, कोर्ट में जाओ तो कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होती हाँ। आप किसी भी इंटरनेशनल लोग को, लेकिन फिर भी अपन लोग जो है आप भी आज भी हम सोचते हैं कि भाई नहीं हम कोर्ट में जाना चाहिए हाँ। इस मैटर को हम कोर्ट में लेके जाना चाहिए जी, जी। क्यों? क्या कोर्ट में जाने से लोगों को मालूम तो पड़ेगा ये इस तरह जो है हमारे नबी की तोहीन कर रहे हैं, शान में गुस्ताखी जो गुस्ताखी कर रहे हैं, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे जी, जी। आप बोलिए ईमानदारी के साथ में लोगों ने आज 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 देखो फ्रांस के अंदर जितना मीडिया उछाल ले रहा है हमारा इंडियन मीडिया उतना उछाल रहा है हाँ, ये गोदी मीडिया को तो मौका मिलता है ना? नहीं बिल्कुल मौका मिलता है। अब तुम बोल रहे भाई तुमने उसकी गर्दन काट दी, जो मैं भी कंडम करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। मैं खुला बोलता हूँ कि नहीं गर्दन किसकी काटने का हुक्म नहीं आपको। अच्छा नहीं इस्लाम मना, इस्लाम क्या फरमा रहा है आप? नहीं, नहीं 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 इस्लाम में तो शातिमे रसूल वाजिबुल कत्ल है, ये आप शरीयत के मुताबिक कहेंगे तो ये, लेकिन आप दुनियादारी में हैं तो क्या करना है? भाई देखिए अभी शरीयत के मामले तो बहुत कुछ है जी, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? शातिमे रसूल वाजिबुल कत्ल, मैं क्या बोल रहा हूँ जफर भाई, हम शरीयत की पाबंदी बहुत है जी, हम अमल कर रहे हैं उस पर? तो ये भी मामला जो था हमको प्यार से हाँ, आप जानते हैं जितने भी लोग जो हेटरेट थे हाँ, जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के बारे में हेटरेट फैलाया वो सब ईमान लेके आए हुए, उन्होंने कलमा पढ़ के ईमान लेके आया साहब हाँ, ये तो देखा, ये तारीख गवाह है। जितने भी जितने भी थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की हैं वो बिल आखिर जो है बशर्फ हल्के इस्लाम में बगोश इस्लाम दाखिल हो गए सब, आप हक पर आ गए। आप जितना भी इस्लाम को या मुसलमान को मलाइन करोगे हाँ। आप मुसलमान को बोलो ना इस्लाम को क्यों बोल रहे, हमारे प्रॉफिट को क्यों बोल रहे? हमारे प्रॉफिट ने कभी किसी को लाफा नहीं मारा, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को लाफा तक नहीं मारा है, आप उनके बारे में क्यों मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा जी? आप बार बार कार्टून बनाओगे और बार ये तो सभी लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग शरंगेज लोग, वरना आप देख रहे हैं सारे लोग नबी पाक सबको मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, उनके बारे में हवाला देते हैं उनका हवाला, यस ऑफकोर्स। तो हमको भी चाहिए था कि जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, समझे? जो कार्टून जिसने उसके ऊपर प्रोटेस्ट होना चाहिए था और उसके प्रोटेस्ट में उस बिल्कुल हुकूमत को बोलना चाहिए कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी जी, समझे? अब इनको जो करना है वो करे, वो हमारे इस्लाम को बुरा बोले, जितना आप चीज को दबाओगे उतना उठेगा वो जी, बिल्कुल जी। आप जितना बोलोगे हमारे इस्लाम के ऊपर बोलोगे, प्रॉफिट के ऊपर बोलोगे, आपको पता नहीं है कि आज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस इन यूरोप इज इस्लाम जी, क्यों हो रहा है? हम लोग क्या तलवारें दिखा रहे, हम बंदूकें चला रहे? लोग देख रहे वो तेजी के साथ, क्यों? क्या वो देख रहे कि यार इस्लाम जो है एक बहुत अच्छा मजहब है हाँ। और कैसे कैसे लोगों ने ईमान लाया हाँ, बड़े बड़े लोग, और आज वो काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं सर, जो हम मुसलमान पैदाइशी है हम नहीं कर रहे, लेकिन वो काम कर रहे, क्यों कर रहे? तो हमको चाहिए कि भाई इन शांति शांति हमको, जिसने जो भी कार्टून बनाया था उसको अरेस्ट कराना था हाँ, हुकूमत को बोल के उसको अरेस्ट कराना था, अगर वहां की हुकूमत नहीं करती हमको इंटरनेशनल कोर्ट में जाना था हाँ। हमको इंटरनेशनल लोगों को लगता क्या है, मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है सारी चीजें इनके खिलाफ, हमेशा हमेशा हमें मलाइन किया जाता है हाँ। हमेशा हमारी बुराई की जाती है हाँ। फिर भी हम लोग नहीं, नहीं आपको ये कहानी नहीं मालूम है, अब्दुल्ला जो था ना जिसने जो इन्होंने कत्ल किया है अब्दुल्ला शहीद, वो असल में क्या हुआ था कि वो ये जो हवा चली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करना, तो जो टीचर जो था ना हाँ। उसने ये कहा कि आप तस्वीरें बनाओ लड़कों के, उसमें जाकर के कहा कि बोले बोले आप जो है ना कार्टून बनाइए, फिर उसके बाद में दूसरे दिन जो के लिए उसने ये कहा कि आप कल लड़कियों को करना है, इस तरह से जो है ना वो किसी तरह से मुसलमानों के जज्बात मजबूर कर रहा था। अब वो जोश में आकर के वो बच्चा जो है उसने, जवान बच्चा, इंतहाई इकदाम उठाया है, और बाद लोग जो है उसको बरहक भी करार दे रहे हैं क्योंकि शातिमे रसूल जो है वाजिबुल कत्ल है,
वैसे यहाँ पर हमारे यहाँ जिस तरह से हवा बनाई जा रही है इस कोरोना के दौरान, कुछ लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई छाती में रसूल की शान में, छाती में रसूल के लिए तो जो कुछ होना चाहिए वो होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है ना जिस तरह से होना चाहिए, क्या हम लोग वो कर पा रहे हैं, या यहाँ पर जो जो नौटंकियाँ जो है कुछ लोग करने पे तुले हुए हैं, अपने आप अपनी जिबिलत खुदनुमाई के लिए कर रहे हैं, उसके मुतालिक बताइए। सब पॉलिटिकल लोगों को क्या इस्लाम से मोहब्बत है? कोरोना के मद्देनजर, कोरोना के मद्देनजर देखिए क्या होना चाहिए ये बताइए। देखिए कोरोना, आप बताओ मैं आपको जी, कि कोरोना जो है ना, जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो खेल रहे जी, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं है जी, जिससे जिसको हुआ है ना जरा उसको पूछिए उसके उसके हालात क्या होते हैं जी। मुझे हुआ जी, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ जी, मैंने 8 दिन घर में जैसे वैसे निकाले जी, और इस कदर मेरी हालत खराब थी जी, मैं जफर भाई आपको बता नहीं सकता जी। मैंने 8 दिन जो है घर का इलाज किया, सब कुछ किया जी, लेकिन 8वें दिन मैं हिम्मत हार गया। मैं रात को अपने बिस्तर पे सोया हुआ था, ईशा की नमाज पढ़ती जी, और मुझे फौरन ऐसा लगा कि पूरा घर घूम रहा है, बिल्डिंग हिल रही है। मैंने जोर जोर से चिल्लाया कि बिल्डिंग गिर रही है, घर गिर रहा है, बचाओ बचाओ। मेरी बीवी बच्चे भाग के आए, बोले क्या हुआ आपको? बोला पूरा बिल्डिंग ये हो रही है। तो इस कदर चक्कर आने लग गई मुझे, और फिर मुझे वॉमिटिंग चालू हो गई। पूरी रात मैंने जैसा वैसा निकाला, कई हॉस्पिटल में फोन किया, वहां जगह नहीं थी। मुझे खींच के मेरी बीवी ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए, इस्माइलिया हॉस्पिटल जो प्रिंस अली खान है मुंबई में, वहां मुझे एडमिट किया गया। मुझे गाड़ी में लेते जाते जाते भी वॉमिट हो रहा था, और चक्कर और सर इस कदर भारी था कि ऐसा लग रहा था कि दीवार पे सर मारू कर, समझे, इस कदर भारी था। अच्छा, इसके अंदर है ना आपकी कैफियत ये होती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुंह में खाना नहीं खा सकता था मैं। अच्छा, मुंह पूरा खराब हो गया था, ना खुशबू आ रही थी, ना बदबू आ रही थी, ना खाने का टेस्ट, खाने को बैठू तो मुंह घुमा लो, नहीं हो रहा है, और कपकपी, कैफियत बदतर होती, बदतर ऐसे बदतर हो गई थी। आपको बताऊं मैं कि मैं ये सोचा कि यार जिंदगी खत्म हो गई, आप सुसाइड कर लो। बिल्कुल, ये क्या लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कोई आदमी। अच्छा, ये बीमारी ऐसी है कि आपके घर के लोग आपका साथ नहीं देते जी, जल्दी से आपको हॉस्पिटल में एडमिट कोई देने। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बीवी जो है बेचारी बहुत जन्नती औरत है, मेरे बच्चे जो है, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, ये हॉस्पिटल में मेरे वार्ड में घुस के आ जाते थे। अच्छा, डॉक्टर मना करते थे हाँ, कि आपको बिल्कुल आना नहीं है, तो बोलते थे नहीं मेरे शौहर है, मैं आऊंगी देखने क्या हो रहा है करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां एडमिट करने के बाद में मुझे काफी चीजों का पता चला। डॉक्टर अजीजुल्ला खान इस्माइलिया में बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो मेरे को इंजेक्शन दे, हालांकि मेरा आपको पता है कि मेरा एक किडनी निकाल दी गई है कैंसर की वजह से, तो उनको मेरा क्रिएटिनिन का भी ख्याल रखना पड़ रहा जी, वो सब देखते हुए मेरा इलाज कर रहे थे उन लोग, समझे। तो आपको बताओ, पेट में जो इंजेक्शन उन लोग मार रहे थे मेरे को जी, तो मैंने पूछा ये आप मुझे पेट में इंजेक्शन क्यों मार रहे? तो आपको बताया, लोगों को गलत फहमी थी कि लोग जो हार्ट से बहुत लोग मर गए इस टाइम पे जी जी, तो उन्होंने बताया कि ये पेट में इसलिए मार रहे हैं कि ये जो वायरस है हाँ, ये आपके ना ब्लड को क्लॉक कर देता है और उससे आपको ना अटैक आ जाता है। तो 6-7 इंजेक्शन जितने दिन में था हाँ, उन्होंने मेरे पेट में इंजेक्शन मारे। अच्छा, और दूसरा मुझे कुछ सलाइन दिए उसके हाँ, साथ में कोई इंजेक्शन मार रहे थे हाँ, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। अच्छा, राहत हुई, बहुत राहत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं तो समझ रहा था शायद अब मुश्किल है करके, बुलावा अल्लाह के बस ये हो गया कि भाई अब जो है मुश्किल हो गया करके जी। लेकिन अल्लाह ने जो है, जुबैर भाई की भी तबीयत खराब है ना, जुबैर भाई अल्लाह उसको अच्छा करे, बाल बच्चे वाले हैं, मैं वापस सुना के बहुत तबीयत खराब है, वो भी उधर ही है जी, वो भी प्रिंस अली खान में, वो ICU में है, वेंटिलेटर पे। अल्लाह ने मुझे सब वो चीजों की जरूरत, मुखैर हजरात है और ममद है, ये लोग मददगार लोग हैं मिल्लत के लिए, इनका जो है अल्लाह करे, अल्लाह देखो हर इंसानियत, जो भी इंसानियत के लिए बहुत, ये आप मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमान काम कर रहे हैं, इंसानियत पे गैर मुस्लिम बहुत काम कर रहे हैं जी। अल्लाह सब इंसानियत की हिफाजत करे, उनके जान की हिफाजत करे। क्यों कि ये मैं लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसको मामूली मत समझिए, इसको ये मामूली चीज नहीं है, जिसको होता है उसको पूछिए क्या उसकी कैफियत क्या होती है करके, पूरा घर परेशान जी, आप अकेले रहते हो हॉस्पिटल में। लेकिन नूरू भाई क्या हो जाता है, मतलब देखिए जो लोग बीमार हैं, जो उम्र रसीदा हैं, जो वो कमजोर हैं, उन लोगों को अटैक करने जल्दी करता है,
नौजवान बेफिक्र होकर के जो है ना हर जगह जो है बिंदास बगैर मास्क के बगैर उसके एहतियाती तदाबीर के निकल रहे हैं उनके बारे में। साहब एक बात सुन लीजिए जी, मैंने मेरी पहले वीडियोस बनाया था जी, और मैंने ये बोला था कि भाई इसको आप ये मत बोलिए कि हम इससे लड़ेंगे, ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के अजाब से कोई नहीं लड़ सकता है। अभी हुकूमत भी आ गई जी, क्या दिस इज एक्ट ऑफ गॉड करके, अच्छा हुकूमत ने बोल दिया दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ, अरे दिस वॉज दिस इज, हाँ समझे, ये एक वायरस है। आपको बताओ कि देखो जो बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में आता है ना, उसके ब्लड से आपको मालूम पड़ेगा कि क्या बैक्टीरिया आपके अंदर है, लेकिन वायरस नहीं मालूम पड़ता है। अच्छा। आप ये सोच ही दीजिए कि आपके कंप्यूटर में जब वायरस आता है आपकी सारे फाइल और डाटा खत्म कर देता है। अच्छा। आपकी सारी फाइल और डाटा खत्म कर देता है। अच्छा। वो ही होता है, वो हमारे इधर आता है। मेरी काफी चीजें जो मुझे पता है मेरे लाइफ में क्या होता है करके, मुझे वो सारी चीजें चेंज हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना वो उसे लड़ नहीं पाती है। बिल्कुल। तो वो उसको इजी पैसेज देती है कि आ जा भाई अंदर। वो जब अंदर आके आपकी क्या क्या चीजें डैमेज करता है वो जिसको हुआ है उसको पता चलता है, उसको पता है, बिल्कुल सही। ये मल्टी ऑर्गन्स भी फेल करता है, कर देता है, समझे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों ने उसका एक बतंगा बना दिया या ऐसा हो रहा है, वो कुछ नहीं है, वो करियर बन के घरों पे जा रहे हैं और घरों पे जो है ना बीमार और बुजुर्ग लोग, आप सोसाइटी में रहते हो, आपको जैसे पता चला, मुझे जैसे पता चला मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, लेकिन मैंने देखा हूँ कि लोग जो है उसको पता चलने के बाद जानबूझ के हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे और सोसाइटी में फैलाते हैं उसको। एहतियात इलाज से बेहतर है, ये किसने सिखाया सब आपको एहतियात करने, किसने, आपके नबी ने सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आपको सिखा के गए कि एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये जो फ्रांस में भी जो हुआ जी, हमको प्रोटेस्ट करना है जी, और आज आप प्रोटेस्ट करोगे ना तो गैर भी हमारा साथ देंगे जी, जी समझे, जो गैर भी वो हमारा साथ देंगे, लेकिन आज वो दौर नहीं है मार काट का। हमारे साथ में जुलुम हुआ है, किलू खान को मारा गया जी, तबरेज को मारा गया जी, उसके बाद में तुम देखो कि ये अखलाक को शहीद किया गया, ऐसे कई लोगों को शहीद किया जाता है, लेकिन हम फिर भी खामोश बैठे ना, हम सबर कर रहे हैं ना, हाँ तब तो बैठे हम सबर कर रहे हैं, जब ये गोदी मीडिया नहीं चिल्लाता है, लेकिन जहां मुसलमान का मसला आता है ये गोदी मीडिया खड़ा हो जाता है। करो जितना तुमको, और मैं एक बात बताऊंगा, आज जो दुनिया के अंदर जितने भी ये मामला हो रहे, ये सारा मामला जो है गुना ये गोदी मीडिया के पद जान, जिन्होंने सुबह से लेकर रात तक हिंदू मुस्लिम करके पूरे सबके दिलों को खराब कर दिया। हाँ अभी आलमी सतह पे जो है ना जरा काबू में ये मसला, लेकिन हिंदुस्तान में इसको फैलाया जा रहा है। जफर भाई एक बात बताऊं, मैं अभी ये जो रिपब्लिक का जो अर्नब गोस्वामी का जो है जो प्रॉब्लम चालू हुआ, उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर जो टिप्पणी की, पुलिस कमिश्नर के ऊपर की, और भी जो है लोगों के ऊपर की, लोग सबर कर रहे थे सलमान खान के ऊपर, शाहरुख खान के ऊपर, लेकिन क्या हो गया, जब गवर्नमेंट के ऊपर और जब पुलिस डिपार्टमेंट पे आया, उन लोगों ने उसको घेर दिया। आज घेरने से क्या हो गया, केसेस बन गए। हाँ कंगना राउत इतना चिल्ला रही थी, उसको भी केसेस, उसको भी घेर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कई सालों से लोगों को बोलता हूँ कि मीडिया जब गलत हरकत करेगी आप उसको कोर्ट में लेके जाओ जी, जी जी आप कोर्ट में एक ही बोलो कि भाई ये जो है धर्म के नाम से लड़ाया जा रहा है। नूरू भाई खाने के वांदे है, कोर्ट में जाने के लिए पिटीशन के पैसे कौन दे? सब आपके आपके पास मुसलमान के पैसे वाले नहीं है? नहीं देखिए है, लेकिन वो, लेकिन वो अमीर जो है ना, देखो गरीब को मारा जा रहा है, अमीर मुसलमान को कोई नहीं मार रहा है। अच्छा आप देख लीजिए ना जितनों को इन्होंने मारा है, ऐसा तो फिर अमीर को मारना शुरू कर देंगे। अरे मैं क्या बोलता हूँ, तो फिर क्यों नहीं तू मदद कर रहे हो, तुम बनाओ ना अपना चैनल बनाओ ना। आज आप 70 साल के ऊपर हो गए, आपको आजादी लेके आपका एक चैनल नहीं है? नहीं ये तो आप ये एक मीडिया नहीं है आपका? बिल्कुल, जो ये लोग हमारे को मलाइन करते हैं आप उनको काउंटर करो ना। और अखबारात भी जो है ना मोहताज है गैरों के, गैरों के मोहताज है। अरे जफर भाई आपके पास एक हॉस्पिटल नहीं है जी, आज ये कोरोना के पीरियड में मालूम पड़ा क्या हालात हो गए आपके? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी कौम ने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया सर जी, 70 साल के ऊपर आजादी हो गई और आप एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते? एमजे आप बताइए कौन सी आपकी बड़ी स्कूल है, कौन से आपके पास बड़े कॉलेजेस है? कोशिशें तो जारी है, कोशिशें तो जारी है, अभी कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अड़ंगा आ जाता है। कोशिशें नहीं होना चाहिए साहब, आपका दिल मजबूत होना चाहिए और आपको फौरन इसके लिए खड़े होना चाहिए कि हॉस्पिटल हम बनाएंगे जी, जी जी हॉस्पिटल हम बनाएंगे करके। और हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, चैरिटी पूरी नहीं कर सकते आप। अच्छा। चैरिटी जो फुल करने जाएगा वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। आपको ये करना है भाई, आपने कौम के नाम से हॉस्पिटल बनाया,
उसमें आप 15-20% आपका प्रॉफिट लीजिए जी, आप प्रॉफिट लीजिए। लेकिन आज जो हॉस्पिटल के अंदर 10-15 लाख का जो बिल हो रहा है, बहुत तो गरीब दे सकता है, वो तो कसाई खाना हो गया, पर गरीब दे सकता है। अब ये लोग जो है ना जिस तरह से कर रहे हैं वो तो गड़बड़ हो रहा है। जो लोग जो शरंगेजी कर रहे हैं अस्पतालों में, ये धंधा बड़ा जो है ना कमाने का मौका आ गया उन लोगों का। उन्होंने दो तीन के ना काउंटिंग मशीन लेके आ गए, बताइए, वो खाली नोट गिन रहे, नोट गिन रहे, बताइए। आज सब कोविड पीरियड के अंदर जितना पैसा हॉस्पिटल मेडिकल और जो अपना ये किराने वाले ने कमाया, और फिर जानते हैं पॉलिटिकल लोगों ने भी नहीं छोड़ा। बहरहाल नूर भाई, मुख्तसर ये बता दीजिए कि ये जो जिस तरह से एक मसला खड़ा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो हुई थी, उसके बाद में बरंगेख्ता होना, गुस्सा होना नौजवानों का, बूढ़ों का, मुसलमानों का, वो तो जायज है, जायज है। लेकिन ये कोरोना के मामलात के दौरान किस तरह से एहतजाज दर्ज कराना चाहिए? जैसा कि देखिए लोगों ने जो है ना जुलूस निकल जाने के बाद में जो है वो तस्वीरें डाल करके उसको चप्पल से मारा और चल दिए। सर ये सब पॉलिटिकल ही, मैं आपको बताता हूँ जी, ये सारी चीजें जो है ना पॉलिटिकल होती है। हाँ। और आप कोई भी चीज को पॉलिटिसाइज और पॉलिटिकल में लेके आओगे ना, अब बताइए करना कैसे चाहिए? एहतजाज तो दर्ज कराना, आपको प्रोटेस्ट करना है जी, आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है जी, आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए, आप वहां की कोर्ट में जाइए, कोर्ट में चलाइए और उसको आप उस जो ये करते हैं उनको एक्सपोज कीजिए। नूर भाई ये वैसे ही हो गया है जैसे कि ज़ार रूस की रानी ने कह दिया था कि जब वो भूखों मर रहे थे और रोटी मांगने के लिए महल पे पहुंचे तो रानी कह रही है कि रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ, केक खाओ। तो ये चीज जो है ना मसला हो जाएगी ना, इसके मुतालिक बताइए। देखिए जुलूम ये तो इस तरीके के फितने आने वाले सर जी, अब ये जब तक कयामत रहेगी, कयामत जब तक नहीं आएगी, कयामत तक ये फितने होने वाले हैं जी। हर फितनों से हमको बचना है जी, अल्लाह के रसूल की हदीस भी है। हाँ। कि फितनों से आपको बच के चलना है। अदालतों में पहुंचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अदालत में आपको खर्चा आएगा, तो आप हजरात भी जो है ना ये सोच रहे हैं कि हम किसी के घर राशन पहुंचा देंगे, बनिस्बत अस्पताल में जो कोर्ट में जो है वो पिटीशन के लिए। तो फिर आप कैसा होगा? एक तो आपके पास अच्छे बड़े वकील नहीं है साहब जी, आपके पास कोई अच्छे बड़े वकील नहीं है जी, जो भी वकील होगा वो भी पैसा मांगता है जी। तो अब कौम को चाहिए कि दारुल जो अपना ये बैतुल माल जमा करे साहब, बैतुल माल होना, आज बैतुल माल नहीं है। हाँ, अगर बैतुल माल होता तो आज जो हालात हुए मुसलमानों के आप देख रहे हैं, गरीबों के खाने पीने के, वो हाल आज नहीं होते, नहीं होते। आज बैतुल माल नहीं है। हाँ। इसलिए हम परेशान है। बोरी कौम इतनी सी है साहब, 5 लाख बोरी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के अंदर 5 लाख बोरी है। अच्छा, बोरियों को देखा कि आपने भाग रहे राशन के लिए, लाइन लगा रहे, चिल्ला रहे, देखा आपने कहीं? क्यों? कि उनको 5 लाख बोरी, उनका पूरा जो सिस्टम है बैतुल माल का, वो पूरा सिस्टम उन्होंने रखा है करके। आज उनके पास बड़ा हॉस्पिटल है, आज उनकी बड़ी कॉलेज है, बड़ी स्कूल है, सब कुछ है, जबकि 5 लाख है पूरे इसके अंदर जो उन्होंने उनका अमीर है। आज हमारे पास ना लीडर है ना अमीर है, कोई नहीं। तो जिस कौम का लीडर अमीर नहीं रहेगा वो कौम जो है वो लावारिस है। हम तो दूसरों के कंधे पे चल रहे हैं साहब, हम अपने लोगों को इज्जत नहीं देते हैं, हम अपने लोगों को इज्जत नहीं देते हैं, समझे? तो ये तो आपके साथ में होने वाला है। हाँ। कि आप नबी पाक की पूरी हदीस से देखोगे तो आप जलील और खार होने वाले। हाँ, जिस कौम का कोई अमीर नहीं होगा तो शैतान उस पर अमीर मुसल्लत होगा। फिर आप सोचे आपका कौन अमीर है, आपका कौन लीडर है? आपके जो लीडर भी है वो भी सच्चे नहीं है। हाँ। वो भी सच्चे नहीं है। और अगर कोई सच्चा आ जाता तो मानते भी तो नहीं, मानते नहीं है, मानने वाले नहीं है। हाँ। ईमानदार, क्योंकि हमारी कौम के अंदर एक बुराई क्या है मालूम है? हाँ। हमको अच्छे लोग, सच्चे लोग, नेक लोग नहीं चाहिए। हाँ। हम वोट किसको देते? हाँ। गुंडा। हाँ। दबंग दबंग दबंग। हाँ। दबंग वबंग कुछ नहीं रहते, बस जो लूट सकता है देश को, जो लूट सकता है स्टेट को, जो लूट सकता है सिटी को, उसको हम। अच्छा, दूसरा, हम उसका एजुकेशन नहीं देखते कि ये कितना पढ़ा लिखा है, इलिटरेट है। एजुकेटेड लोग भी तो जो है ना लूटते हैं, सभी लूट रहे हैं। तो होने वाला क्या अजाब? तो कहीं से उतरने वाला क्या? नहीं उतरने वाला। बहरहाल ये शातिम रसूल जो है इनके खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए मुख्तसरन बता दीजिए किस तरह से लोगों को एहतजाज दर्ज करना है। क्या कोई यानी राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को खतूत भेजे जाए, नोटिस भेजा जाए, जैसे कि एक पोस्ट कार्ड की एक मुहिम है,
और यानी लोग जो है अपने अखबार में जो है ना अपने वो उसकी खबर देवे और कुछ लोग जो है अदालतों से रुजू। निकली एक मैं बात बताऊँ आपको, आपको याद होगा कि ये मैं समझता हूँ 80s की बात है या 70-80 की बात है जी, जब ये इसराइल ने इस पर कब्जा किया था फिलिस्तीन बैतुल मुकद्दस पे, बैतुल मुकद्दस मुझे याद है मैं स्कूल पढ़ता था, खिलाफत हाउस से जुलूस निकला था हाँ। जिस जुलूस के अंदर 6 या 7 लाख मुसलमान थे हाँ, उस जुलूस की कयादत किए थे विलास सावंत साहब ने हाँ। जो कांग्रेस के नेता थे विलास सावंत साहब, उन्होंने कयादत किया था और वो खामोश जुलूस जो है जी। पूरा खिलाफत हाउस से निकल के वो अपना जो यहूदियों का ये था तुम्हारा एम्बेसडर वहां तक गए थे जी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसकी तारीफ लिखा था कि भाई 7 लाख आदमी के अंदर एक पत्थर नहीं गिरा हाँ। और एक स्लोगन नहीं हाँ। लोग खामोशी से तस्बीह पढ़ते दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते लोग वहां तक गए थे जाकर के एहतजाज किए और उस एहतजाज का ये असर हुआ था कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने फौरन जो है कॉन्सुलेट बंद कर दिया। अच्छा, जो ईरान इसराइल की जो कॉन्सुलेट थी वो उन्होंने बंद कर दिया, बंद करवा दिया समझे, और फिर खुला नहीं उन्होंने हाँ। समझे, जब तक इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर जब आजाद थे जब जिंदा थे जब तक उन्होंने खुला नहीं हाँ। तो हमको ये सोचना चाहिए, हमको भी एहतजाज करना चाहिए लेकिन हमको खामोश के साथ हाँ। लेकिन ये कोरोना है ना यहाँ पर यहाँ नहीं कर सकते आप, अभी जो है आप पोस्ट कार्ड भेजिए प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को भेज दीजिए आप समझे, होम मिनिस्टर को भेजिए आप समझे, इवन आप इज्तिमाई तौर पर भेजते जाइए, इवन आप जो है या फ्रांस का जो कॉन्सुलेट है उसको भी आप पोस्ट कार्ड भेजिए, पोस्ट कार्ड भेजिए। अच्छा, दूसरा सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको बताऊं मैं, आप किसकी किसी को अगर चाहते हो हाँ। कि भाई इसके हालात हमको खराब करना है तो हमको चाकू छुरी बंदूक बंदूक कुछ नहीं चाहिए जी। आप उसके सामान लेना बंद कीजिए, यानी उसके इकोनॉमिक को तोड़ दीजिए हाँ, कतई ताल्लुक हो जाएगा, उसकी बायकॉट कीजिए उसके सामान को और उसके खुद ब खुद खत्म हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। आज भारत के अंदर अगर 25-30 करोड़ मुसलमान है हाँ। तो पूरी दुनिया के अंदर आपको बताए 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, है ना तो वो भी बंद अगर बंद कर देंगे हाँ। तो क्या होने वाला है साहब जी, 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 जी। उसकी तो खाली 8 करोड़ की आबादी है फ्रांस जी, की जी, उस पर भी 30% मुस्लिम है जी, 30% मुस्लिम है जी, जी। वो भी नहीं खरीदेंगे हाँ। बचे कितने इनके 5 करोड़ हाँ। तो क्या होने वाला है साहब, तो इसलिए हमको सबसे बेहतरीन है कि इनके प्रोडक्ट को आप बायकॉट कीजिए, हमारे इंडिया में एक से एक प्रोडक्ट बन रहे साहब, इंडियन माल यूज कीजिए ना यार जी, जी। हमारे व्यापारियों को चांस दीजिए ना जी। क्यों हमेशा हम फॉरेन लोग को चांस देवे जी, जी, जी। क्यों देवे हम, हमारे लोग भी बहुत बेहतरीन चीज बनाते हैं हाँ। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, बस यही तरीका है आपको। अच्छा, बेहतरीन तरीका इकोनॉमिक, यानी कोरोना का पालन भी होएगा, सब कुछ हो जाएगा, अति तदाबीर का पालन हो जाएगा और हमारा जो है एहतजाज भी दर्ज, एहतजाज अपना चलता रहेगा, भीड़ में निकलना जो है वो खतरनाक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल खतरनाक है ना, आप 2 आदमी 4 आदमी भी आप बैनर लेके खड़े हो सकते हैं जी जी हाँ, रास्ते पे मुख्तलिफ बस एक फासला होए बस, या तो चेन बना दे, सब में बेहतरीन खड़े रहे, आप इकोनॉमिक को बायकॉट कीजिए, इकोनॉमिक को बायकॉट कर दो, फ्रांस की जो सामान है उसको पूरा कंप्लीट बायकॉट, ऐसा फिर ये नहीं होना चाहिए कि 8 दिन के लिए किया दूसरे 9वें दिन चालू हो गया हाँ, हाँ, जैसे पेप्सी का हुआ था यस हमारे इंडिया में कौन सी, भारत में कौन सी चीज नहीं बनती आप मुझे बताइए ना, एक से एक चीज बनती सर हाँ। अब हम गाड़ियां जो एक से एक गाड़ियां बना रहे, टाटा बना रहे, महिंद्रा बना रहे साहब, कौन सी गाड़ी नहीं मिल रही, क्या जरूरत है आपको इंपोर्टेड गाड़ी। अच्छा, जो लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बबांगे दहल 150 लोगों को लेकर के जो है वो एहतजाज कर, उनके पास में सबसे ज्यादा जो है ना वो फॉरेन का जो है, यानी मुस्लिम मुखालफिन के ममालिक के जो है असासे हैं, जैसे मिसलन मोबाइल, घड़ी, कपड़े, गाड़ियाँ वगैरह वगैरह, उनके घर में बहुत से सामान फ्रांस जैसे कि निकले, सब ये सब ये दिखावा है और जो चीज दिखावा होगी ना जी वो अमल पे नहीं आई जी जी जी। आपका जो भी होना चाहिए यहाँ से, अगर हमको अल्लाह के नबी समझते, बड़ी मोहब्बत क्लास के साथ। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, आपको पता है कि नबी पाक सब की तोहिन हो रही है जी, आपने खाना पीना बंद कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो जारी है, आप तो बेहतरीन खाना खा रहे हो ना हाँ। तो कौन सी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो हाँ। आपने क्या दिन भर बैठ के रोया आपने हाँ। हाँ?
आपने अल्लाह से दुआ किया है कि आपने? हाँ, अरे हमको तो खाली ये बोलता है ये करो बस। हाँ बिल्कुल। हाँ क्या अल्लाह के नबी को मेरी बताइए जफर भाई कि हजरत हमजा रजा को जब शहीद किया गया जी, आपको गम, आपको इतना रंज गम हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी से बदला लेने की अहद नहीं किया था, लेकिन जब आपने आपके चचा को हजरत हमजा रजा को जब देखा उनकी लाश मुबारक को देखने के बाद में आपने अहद किया कि मैं 70 को मारूंगा, 70 काफिरों का कत्ल करूंगा, लेकिन वही नाजिल हो गई है मोहम्मद सल्लम आप बदला नहीं ले सकते हो, आप सबर कर सकते हो, बदला हम लेंगे, आप सबर कीजिए। उसके बाद में जब हिंदा ने ईमान लाए, आपने क्या उसको गाली दिया? नहीं, उसको कुछ बुरा बुरा बोला नहीं, खाली इतना बोला कि तुम मेरे सामने बार बार मत आना, मुझे मेरे चचा की याद आ। बिल्कुल। अच्छा, जिस हफ्सी ने आपको बाला फेंक के मारा था जी, वो ताइफ भाग गया था जी, जी। वो ताइफ से जब वो ईमान लाया और वहां के लोगों के साथ में जब उनका सरदार बन के आ गया तो आपने उसको ईमान में दाखिल किया और उससे भी ये कहा कि मेरे चचा की याद मुझे आती है, मेरे सामने मत आना। आपने उसको गाली गलौज नहीं किया साहब, आप उसको बुरा भला नहीं बोला, सब्र किया, सब्र किया, उसको ईमान में दाखिल किया, ईमान में आ गया, खत्म हो गया। बिल्कुल। तो हमको ये सारी चीजें सोचना चाहिए, ताइफ का किस्सा सोचना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि सब में बड़ी तो ये जो अभी ये जो हालात हुए इसको फिर मुलतवी करने के लिए, यानी कोई तारीख में कोई ऐसा वाकया है कि कोई चीज ऐसी जो मुलतवी हुई? देखो ये आस्ते आस्ते जो है ना इंशाल्लाह, जो अल्लाह के उसकी हदीस आप जानते हो कि पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करेगी, देखिए इस पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करेगी इंशाल्लाह, जब हम अच्छे हो जाएंगे तो जी, हम अच्छे हो जाएंगे, पूरी दुनिया आपको देख के इस्लाम कबूल करेगी। आप सुलह हुदैबिया को देख लीजिए, बेहतरीन चीज जी, हाँ, और उसके बाद आपने आपने हज नहीं किया, हर चीज उनकी मानी है, मुलतवी कर दी, समझे, हर चीज, और एक साल के बाद में मक्के मौजमा को फतेह कर दिया गया। पूरी पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री उठाएंगे, जब किसी दूसरे मुल्क पे हमला करके जब उसको अपने कब्जे में किया जाता था, कई कत्लेआम होता था, कत्लेआम हो जाता, मक्के में एक खून का कतरा नहीं गिरा साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबको अमन में शामिल, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला ने शायद आवाज लगाया आज बदले का दिन है, आज खून का बदला खून से लिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हजरत बिलाल को दौड़ाया, कहा कि नहीं आज बदले का दिन नहीं है, आज माफी का दिन है, माफी का दिन है, जो हरम में है वो उसको बख्श दिया जाएगा, और जो अपने घरों में महफूज है, और जो हजरत उस्मान के अपना हजरत ये क्या इनका नाम उनके चचा जो थे उनके घर में है, हमजा हमजा रजी अल्लाह ताला उनके घर में है, वो ये अमन में है करके। आपने कभी किसी से बदला नहीं लिया है, आपने हमेशा जो है पीस एंड हार्मनी चाह, हमको भी वही करना चाहिए। आज हमारे मसले बहुत है साहब, आज हमारे बच्चे ड्रग्स में मुनव्विस है, आज हमारे पास एजुकेशन नहीं है, आज हमारे इकोनॉमिक की हालत खराब है, आज हमारे एजुकेशन की हालत खराब है, आज हमारे क्या चीज की हमारे खराब नहीं है। तो आपका कहने का मकसद है ये कि शाती में रसूल के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए ये जो सॉफ्ट जो इस तरह से जो पोस्ट वगैरह है और वो एहतजाज दर्ज कराए, या फिर इसे अगले बार के लिए मुलतवी किया जाए? वो तो देखो अभी ये तो मामला ठंडा हो जाएगा कोरोना जाने के बाद, ये अभी थोड़ा देखो ये चलता है फिर हम लोग खुद ठंडे और अदालतों से रुजू होना, बस अदालत में केस लेके जाओ और आप उनकी फ्रांस की चीजों को बायकॉट करो भाई, और ये कितना ज्यादा उठता है फ्रांस से उठता है, आपको पता है कि बिल्कुल वो हेब्दो बस वहां से ही ज्यादा फितना उठता है, जब उसकी इकोनॉमिक टूट जाएगी ना साहब, आज कोरोना के पीरियड में अच्छे अच्छों की इकोनॉमिक हिल गई साहब, बिल्कुल सही, अच्छे अच्छों की इकोनॉमिक हिल गई है, तो जब इसकी इकोनॉमिक हिल जाएगी ना तो इसको खुद को पता चलेगा कि क्या हुआ करके, वो खुद घुटने पे आके माफी मांग देगा, और अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इनको हिदायत देवे, आमीन आमीन, अल्लाह इनको हिदायत देवे, सही रास्ता बतावे, समझे, ये भी नबी पाक की उम्मत ही है लेकिन ये गुमराह हो चुके, तो अल्लाह से हमको दुआ करना पड़ेगा, अल्लाह रहमतुल आलमीन है बेशक, कि दुआ करें कि अल्लाह इनको हिदायत देवे, ये हिदायत पे आ जाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो आप देख लेना इसी तरह तुम मुसलमान को इस्लाम को बुरा भरा बोलो इस्लाम फैलता जाएगा। मगर एक बात याद रखिएगा, छाती में रसूल वाजिबुल कत्ल है। अच्छा वो मुझे इतना नहीं पता है करके, अच्छा तो ये अभी उलमाओं को पता है जी, उलमाओं को पता है, लेकिन मैं आपको पूछूंगा कि भाई
मुसलमान भी तो सही तरीके से अपने दीन पे अमल करें ना। ये सारे मसले जो हाँ, 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 आज आपको लगता है ये कोरोना जो वायरस है कोई हाँ, जान कोई समझ कोई सोच भी नहीं सकता था हाँ, ये अल्लाह का आजाद है जी, जी, हम भी तो क्या क्या कर रहे हो देख लीजिए ना जी। आज मुसलमान को भी पैसे से बड़ी मोहब्बत हो चुकी है जी, जी, उसको इस दीन से इतनी मोहब्बत नहीं है, मादियत पसंदी आ गई ना बस समझे, और जहाँ तुम्हारे मटेरियलिज्म आ गया, मटेरियलिज्म आ गया समझे, जहाँ वो आ जाएगा आपका ईमान क्या होगा वो आप जाने। दुआ कर दीजिए बस, अल्लाह खैर और आफियत करे, अल्लाह पूरी उम्मत के साथ में, पूरी इंसानियत के साथ में, अल्लाह पूरे दुनिया के साथ में खैर आफत, और सबसे पहले हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह खैर और बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस मुल्क को, भारत को जो है, भारत के तमाम लोगों को, और भारत को पूरे इकोनॉमिक जो हमारी टूट गई है अल्लाह उसको वापस इकोनॉमिक को सुधार दे, हिदायत का सिलसिला जारी, अल्लाह हमारे मुल्क से जो है ये कोरोना जैसी जो बीमारी आ रही है या अल्लाह का अजाब है COVID-19, अल्लाह इसको यहाँ से खत्म कर देवे, नष्ट नाबूद कर देवे, और पूरी इंसानियत की इसकी हिफाजत करे अल्लाह इस बीमारी से, क्योंकि ये भी एक बहुत ही खतरनाक चीज है जी, वबा वायरस बवा वो जो है ना, बवा जो है ना, ये हाँ, बहुत खतरनाक है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।